जयपुर के पूर्णिमा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को यूजीसी की ओर से ऑटोनोमस स्टेटस प्रदान किया गया है। आगामी 10 सालों के लिए ऑटोनोमस स्टेटस मिल गया, जिसके शैक्षणिक गुणवत्ता की दृष्टि से कई लाभ मिलेंगे। आरटीयू के वाइस चांसलर प्रोफेसर एस के सिंह ने कॉलेज की प्रतिनिधियों को ऑटोनोमस स्टेटस का पत्र जारी किया। अब पूर्णिमा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एकेडमिक एक्सीलेंस में बेहतर काम होगा। कॉलेज स्वयं के स्तर पर परीक्षाएं करा सकेगा। आरटीयू से संबंध कॉलेज की क्वालिटी इंडेक्स वैल्यू यानी कि QIV में पूर्णिमा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पिछले 7 सालों से राज्य में दूसरे स्थान पर काबिज है। ये ग्रेडिंग कॉलेजेस की प्लेसमेंट्स, फैकल्टी क्वालिफिकेशन पेपर पब्लिकेशन, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो और इन टाइम डिग्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट के लिए एक्टिविटीज के आधार पर दी जाती है। पूर्णिमा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग स्थापना के 25वें साल में मिली दोनों उपलब्धियां पूर्णिमा कॉलेज को राष्ट्रीय स्तर पर चुनिंदा कॉलेज में शामिल करती है। पूर्णिमा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ये सन 2000 से एस्टेब्लिश्ड है। अपने 24 बैचेस इसने बाहर निकाले हैं और हमारे जो एलुमनाई है 24 इयर्स के पास आउट, ये अक्रॉस द वर्ल्ड हाई पोजीशंस में ऑक्यूपाइड है। हमने लास्ट ईयर जब नैक में अप्लाई किया और प्रोसेसिंग हुई तो हमें 4 जनवरी 2024 से 5 साल के लिए नैक A+ ग्रेड अवार्ड हुआ है। इसके पश्चात हमने ऑटोनॉमी के लिए UGC को अप्लाई किया, UGC ने हमें ऑटोनॉमस स्टेटस कन्फर किया। पूर्णिमा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को इस साल 25 वर्ष पूरे हो जाएंगे। सन 2000 में पूर्णिमा कॉलेज की स्थापना हुई थी और इस 25वें वर्ष में ऑटोनॉमस का दर्जा प्राप्त हुआ है, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन का दर्जा प्राप्त हुआ है। पूर्णिमा कॉलेज को इस साल की शुरुआत में नैक A+ ग्रेड मिली थी, जिसकी वजह से UGC और RTU ने पूर्णिमा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन का दर्जा दिया है। ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन के अंदर हम बहुत सारे सिलेबस के अंदर चेंजेस कर सकते हैं, एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो लेके आ सकते हैं।